यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। किसमें प्रेजेंट होता है? यूकैरियोटिक सेल में ओनली प्रेजेंट होता है। क्यों यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है वो? क्यों होता है? क्योंकि उसमें क्या होता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और प्रोकैरियोट में क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां पर क्या होता है, न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता। सो उससे पहले जो टर्म दी थी क्रोमोजोम, क्रोमोजोम को जिन्हें जिन्होंने प्रपोज किया था उनका नाम है वाल्डेयर। क्या है? वाल्डेयर उनका नाम था, वाल्डेयर क्रोमोजोम का जिन्होंने इन्वेंशन किया था उनका नाम है वाल्डेयर। जो किस ईयर में किया था? 1888 में। किसी का मोबाइल का नंबर भी हो सकता है, मोबाइल के नंबर के लास्ट 1888 में क्या किया था उन्होंने, क्रोमोसोम को ढूंढ के निकाला था। सो बहुत सारे हमने देखे फिलामेंटस बॉडी होता है जो किसमें प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के इनसाइड में, जो जेनेटिक मटेरियल कहा गया था उसमें ही क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमने कहा था कि क्रोमोसोम किस चीज से बने हुए होते हैं, तो हमने बोला था कि डीएनए से बने होते हैं। उसमें भी क्या होते हैं, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। सो वो क्या करते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। इनहेरिडिटी, इनहेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस, ऐसे हमने टर्म के बारे में उसको बोला भी था। सो हमने ये भी बोला था कि वेरियस नंबर में, वेरियस स्पेसीज में वेरियस नंबर में क्रोमोजोम का प्रेजेंट होता है। सो कल मुझे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या सर वेरियस वेरियस स्पेसीज में उसका साइज सेम होता है या डिफरेंट होता है। सो मैं वो बात क्लियर करना चाहूंगा, मैंने बोला था नहीं बोला था मैंने। तो सो एनिमल्स की बात की जाए तो किसी भी इसमें उसका क्रोमोसोम का साइज होता है वो कम ज्यादा नहीं होता है, वो सेम ही साइज रहता है। लेकिन अगर प्लांट की बात की जाए तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है एनिमल के क्रोमोजोम से। प्लांट के क्रोमोजोम जो होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, बड़े होते हैं। उसमें भी क्रोमोजोम का जो नंबर होता है उसमें स्पेसिस में वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। मान लो कि 6 क्रोमोजोम से लेकर 300, 400, 600 तक हो सकते हैं। वैसे भी सेम हमारे भी एनिमल की स्पेसिस की अगर बात की जाए तो वहां में भी बहुत सारे नंबर्स, बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्रोमोजोम के नंबर्स मिल सकते हैं। अगर हमारा अगर एक जनरली जनरली ऐसी बात की जाए तो हमारा जो सबसे नियरेस्ट जो होता है वो गोरिल्ला या चिंपैंजी होता है, उसमें भी थोड़ा डिफरेंस होता है। जैसे हमारे बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो उसके बॉडी में 44 क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि 2 क्रोमोसोम क्या होते हैं, कम होते हैं। सो ऐसे हमने स्टडी की थी। उसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट किया था जहाँ हमारा लेक्चर क्या हो गया था, ओवर हो गया था। सो आज उसी को ही कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद आगे का देखें। चलो सो टूडेज टॉपिक इज प्लॉयडी। हमने प्लॉयडी का स्टार्ट किया था। प्लॉयडी क्या होता है मैंने आपको अच्छे से समझा भी दिया था। सो उसको थोड़ा कंटिन्यू करते हैं क्योंकि उसमें भी टाइप्स प्लॉयडी। हमने प्लॉयडी के बारे में मैंने डेफिनेशन उसकी कहा थी। प्लॉयडी मीन्स क्या होता है, प्लॉयडी मीन्स क्या होता है, क्या होता है, ऐसा कोई भी क्रोमोजोम है, ऐसा कोई भी क्रोमोजोम है उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, जो बेसिक नया बेसिक क्रोमोसोम नंबर होता है, बेसिक क्रोमोसोम जो नंबर होता है उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, क्या होता है, उसमें रिपीटेशंस होता है। क्या होता है? रिपीटेशंस होता है। जैसे मैंने उस आपके आपको एग्जांपल भी दिए थे, जैसे हमारा बेसिक नंबर था 23। 23 हमारा जो बेसिक नंबर था, अगर मैंने बात की अगर कोई भी बॉडी कैसी है, डिप्लॉइड है, कैसी है बॉडी, डिप्लॉइड है, तो एक 2 है बेसिक नंबर, यानी कि एम की जगह इस 22 को रख दो, 23 को रख दो, तो आप कैलकुलेशन में क्या आएगा, 46 आएगा। तो इसको हम बोलते हैं बेसिक, क्या बोलते हैं, प्राइमरी बेसिक नंबर है जो हमारा 23 है। वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, वैसे कोई भी काम, R3 ले लो, उसे 23 से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, क्या करेगा, उसका रिपीटेशन करेगा, क्रोमोसोम का रिपीटेशन करेगा। किस में रिपीटेशन करेगा, तो सेल में रिपीटेशन करेगा। किस में रिपीटेशन करेगा, सेल में रिपीटेशन करेगा। उसी टर्म को ही हमने क्या कहा था, प्लॉयडी का, क्या कहा था, प्लॉयडी कहा था। इतना आपको कल समझ में आ गया होगा। सो आज उसके टाइप पढ़ते हैं। सो चलो, प्लॉयडी आर डिवाइडेड इंटू 2 टाइप्स। प्लॉयडी आर डिवाइडेड इंटू 2 टाइप्स। 2 टाइप्स में प्लॉयडी का डिवाइडेशन किया गया है।
फर्स्ट है यू प्लॉयडी, सेकंड है अनयूप्लॉयड। देखो प्लॉयडी प्लॉयडी आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, यूप्लॉयडी एंड अनयूप्लॉयडी, प्लॉयडी एंड अनयूप्लॉयडी। सो देखो प्लॉयडी एंड अनप्लॉयडी का डिफरेंस क्या होता है, प्लॉयडी एंड अनप्लॉयडी का डिफरेंस क्या होता है? अगर अगर यूप्लॉयडी की बात की जाए, अगर यूप्लॉयडी की बात की जाए तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, क्या होता है इसमें, एग्जैक्ट नंबर से मल्टीप्लाई होगा। अगर यूप्लॉयडी की बात की जाए तो क्या होगा, एग्जैक्ट नंबर से मल्टीप्लाई होगा, जिसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। आपको पता है नेचुरल नंबर्स आपने पढ़े भी है मैथ, नेचुरल नंबर्स आपने पढ़े भी है, वो क्या करेगा, एग्जैक्ट नंबर से क्या होगा, मल्टीप्लाई करेगा। एग्जैक्ट नंबर से आप वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई। जैसे कि टाइप साइज देखो, 1 से मल्टीप्लाई करेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेगा, 3 से मल्टीप्लाई करेगा, 4 से, 5 से, एक्सेट्रा, बहुत सारे नंबर से, बहुत सारे नंबर से क्या करेगा, खुद को मल्टीप्लाई करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, यूप्लॉयड। क्या बोलेंगे, यूप्लॉयड। उसके बाद अनयूप्लॉयड की बात की जाए तो क्या करेगा, वो क्या करेगा, हमने यूप्लॉयड की बात की, वो क्या करता है, एग्जैक्ट नंबर से क्या करता है, खुद को मल्टीप्लाई करता है, क्या करता है, खुद को मल्टीप्लाई करता है। अगर अनयूप्लॉयड की बात की जाए तो वो क्या करता है, जो भी क्रोमोसोम्स है, जो भी क्रोमोसोम्स है, एक तो उसका क्या करता है, एडिशन करता है, उसका सब्सट्रैक्शन करता है, सब्सट्रैक्शन करता है, या उसका अपलोड करता है, उसको अपलोड करता है, क्या करता है, अपलोड। यानी कि आप समझ सकते हो, अगर क्रोमोसोम है, हमने बोल दिया 46 क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम में एक ऐड कर दिया, ऐसे कभी होता है क्या, उससे क्या होगा, कोई ना कोई डिसीज कॉज होगा, कोई ना कोई डिसीज कॉज होगा। सो अनयूप्लॉयड में क्या होता है, उसका एक तो क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम ऐड होता है या एक क्रोमोसोम कम होता है, या कोई भी हो, कुछ भी सिचुएशन हो सकते हैं, उससे क्या होंगे, जेनेटिक डिसऑर्डर्स होंगे, क्या होंगे, जेनेटिक डिसऑर्डर्स होंगे, वही उसी को ही अनयूप्लॉयड कहा गया है, उसको ही अनयूप्लॉयड कहा गया है। ये बताओ मुझे, ये समझ में आया क्या, डिफरेंस समझ में आया क्या इसका? हाँ सर। क्या होता है यूप्लॉयड में, एग्जैक्ट नंबर से मल्टीप्लाई, हमको पता है हमारे क्रोमोसोम है, जैसे हमने कहा था हैप्लॉयड, डिप्लॉयड, ट्रिप्लॉयड, ऐसे जो होते हैं उसको हम करेंगे एग्जैक्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, दैट्स लाइक कोई कितने भी नंबर हो सकते हैं। लेकिन अनयूप्लॉयड की बात की जाए तो उसमें क्या होता है, एक तो क्रोमोसोम का एडिशन होता है, या एक तो क्रोमोसोम का सप्रेक्शन होता है, या कोई ना कोई अपडेशन आता है, कोई ना कोई अपलोडेड, या कोई ना कोई तो ऐसी चीज होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, अनयूप्लॉयडी। क्या बोलेंगे, अनयूप्लॉयडी, जिससे क्या होंगे, जेनेटिक डिसऑर्डर्स कॉज होंगे, क्या होंगे, जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज होंगे। आपको मालूम ही है ऐसे एडिशन और डिलीशन से बहुत सारे ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स है जो हमको आगे पढ़ना है, जो हमको आगे पढ़ना है। आपको अभी से मैं एक बता देता हूँ, आपको इसमें जो जेनेटिक एक पूरा चार्ट निकालना है, आपको मैं आगे जो पढ़ाऊंगा वो पूरा चार्ट निकालना है, उसके बेसिस पर उसके कौन कौन से डिसऑर्डर्स है वो आपको उसमें एग्जांपल के थ्रू लिखना है, इसी चार्ट में मैं बताऊंगा आपको कैसे लिखना है। सो यह आपका आपका होमवर्क होगा। सो अभी से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो अगर यूप्लॉयड की बात की जाए, अगर यूप्लॉयड की बात की जाए, इट इज आल्सो डिवाइडेड इंटू थ्री क्लास, थ्री टाइप। अगर यूप्लॉयड की बात की जाए तो इट इज आल्सो डिवाइडेड इंटू थ्री टाइप, इट इज आल्सो डिवाइडेड इंटू थ्री टाइप। सो पहला है मोनोप्लाइडी, पहला है मोनोप्लाइडी, दूसरा है डाइप्लॉयडी, और तीसरा है
पॉलीप्लाइड। पॉलीप्लाइड सो आपको नाम में ही नाम से ही समझ में आया गया आ गया होगा नाम से ही समझ में आ गया होगा मोनोप्लाइडी मीन्स क्या होता है। मोनो मीन्स सिंगल, जैसे हमारा होता है स्ट्रक्चर हेप्लॉइड। आपको दिख रहा है क्या ये? नहीं सर। अब दिख रहा? हाँ दिख रहा ना अभी। हाँ सर। हाँ मोनोप्लाइडी मीन्स क्या होता है? हेप्लॉइड, जो हमारा हेप्लॉइड सेल होता है उसको हम बोलेंगे मोनोप्लाइडी, यानी कि वन सेल, यानी कि वन सेल। डिप्लॉइड मीन्स क्या होता है? डिप्लोप्लाइडी मीन्स क्या होता है? टू एंड, यानी कि हमारा डिप्लॉइड सेल वैसे होता है डिप्लॉइड सेल। यानी पॉलीप्लाइडी की बात की जाए तो जैसे कि 3N, 4N, 5N एक्सेट्रा, कितने भी हो सकते हैं उसको हम बोलेंगे पॉलीप्लॉइडी। क्या बोलेंगे? पॉलीप्लॉइडी। देखो डिप्लॉइडी के 3 टाइप्स है, जैसे हमने कहा मोनोप्लाइडी। मोनोप्लाइडी मीन्स हमारा हैप्लॉइड सेल होता है, जैसे एन। मोनो मीन्स वन, हमको पता है मोनो मीन्स क्या होता है? वन होता है। डाई मीन्स क्या होता है? टू होता है। एंड पॉली मीन्स बहुत सारे, टू से बहुत सारे, टू एंड मोर। तो डिप्लॉइडी मीन्स क्या होता है? हमारा हैप्लॉइड सेल होता है। और पॉलीप्लॉइडी मीन्स क्या होता है? टू एंड, फोर एंड, फाइव एंड, वैसे जस्ट लाइक कोई भी सेल्स, इतने भी सेल्स हो सकते हैं उसको हम बोलेंगे मोनोप्लॉइडी, डाइप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। आशा करता हूं कि इतना समझ में आ गया होगा। सो अब बात करते हैं यूनिप्लॉइडी। यूनिप्लॉइडी की, यूनिप्लॉइडी आल्सो डिवाइडेड इंटू टू क्लासेस। यूनिप्लॉइडी भी आल्सो डिवाइडेड इंटू टू क्लासेस, इसके भी टू क्लासेस है। सो मैं इसको नीचे कर दूँ। Uniploidy also divided into two classes, so that's why first है हमारा hypoploidy and second है हमारा hyperploidy। हाइपोप्लाइडी एंड हाइपरप्लाइडी, देखो यूनिप्लाइडी की बात कर रहे हैं, अनयूप्लाइडी की बात कर रहे हैं। देखो उसमें भी दो टाइप में डिवाइड हुआ है। फर्स्ट है हमारा हाइपोप्लाइडी एंड सेकंड हमारा है हाइपरप्लाइडी। अगर बात की जाए हाइपो, हाइपो मीन्स क्या होता है? बिलो। क्या होता है? बिलो। बिलो मीन्स हम तो इसको कहेंगे कम। कुछ तो चीजें क्या होगी इसमें? कम होगी। क्या होगी? कुछ तो चीजें इसमें क्या होगी? कम होगी। उसको हम बोलेंगे हाइपो। क्या बोलेंगे? हाइपो। और हाइपर की बात की जाए तो उसको हम बोलेंगे अबो। हाइपर की बात की जाए तो उसको बोलेंगे अबो। इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? कुछ चीजें क्या होगी? वो क्या होगी? ज्यादा होगी। क्या होगी? ज्यादा होगी। उसको हम बोलेंगे हाइपर। देखो अनयूप्लाइडी की बात कर रहे हैं, इसके टू टाइप्स है। एक है हमारा हाइपोप्लाइडी एंड हाइपरप्लाइडी। हमने मीनिंग समझ लिया। हाइपो मीन्स क्या होता है? बिलो होता है। इसमें क्या होंगे? कोई ना कोई तो ऐसी चीजें होगी जो क्या होगी? कम होगी। और अगर हाइपर की बात की जाए तो कोई ना कोई चीज ऐसी होगी जो क्या होगी? अब होगी। क्या होगी? अब होगी। अगर कोई ना कोई चीज, इसका मीनिंग ऐसे होता है कि इसमें क्या होगा? क्रोमोसोम की क्या होगी? कमी होगी। इसमें क्या होगा? क्रोमोसोम का सप्रेक्शन होगा। एक क्रोमोसोम क्या होगा? डिलीट हो जाएगा। उसमें क्या होगा? एक क्रोमोसोम क्या होगा? एक क्रोमोसोम का क्या होगा? एडिशन होगा। क्या होगा? एडिशन होगा। सो दैट्स व्हाई इसको हम ऐसे बोलेंगे, हाइपो मींस होता है बिलो एंड हाइपर मींस होता है अबो। इसमें क्रोमोसोम का संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। उसमें क्या हो जाएगी? क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सो हाइपोप्लॉइडी हाइपोप्लाइडी इट इज आल्सो डिवाइडेड इंटू टू क्लास। इसमें भी टू क्लास है। इसमें भी क्या है? टू क्लास। इसमें भी, इसके भी क्या है? हाइपोप्लॉइडी के भी क्या है? टू टाइप्स है। और भी क्या है? टू क्लास। क्या है? टू क्लास है। सो देखो फर्स्ट कौन सा है हाइपोप्लाइडी का? फर्स्ट टाइप कौन सा है? मोनोसोमी। मोनोसोमी
या स्वामी बोल सकते हैं, मोनोस्वामी, और दूसरा है नल्ली स्वामी। नल्ली स्वामी, देखो हाइपोप्लॉइडी की बात करें हम, हाइपोप्लॉइडी आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, मोनोस्वामी एंड नल्ली स्वामी, नॉट अ नल्ला स्वामी, उसको नल्ला स्वामी नहीं बोलेंगे। क्या नहीं बोलेंगे? नल्ला स्वामी नहीं बोलेंगे। किसी किसी तो मूवी में उसका नाम है नल्ला स्वामी, दैट्स व्हाई हो सकता है, उसको हम बोलेंगे नल्ली स्वामी, नल्ली स्वामी। और अगर हाइपोप्लॉइडी की बात की जाए उसमें भी टू क्लास है, तो सबसे पहला है ट्राइसॉमी, ट्राइसॉमी, और नेक्स्ट हमारा है टेट्रासॉमी। देखो हमने यूनोप्लॉइडी की बात की, उसमें भी दोनों हमको क्लास मिले, हाइपोप्लॉइडी एंड हाइपरप्लॉइडी। सो हाइपोप्लॉइडी की बात की जाए, हाइपोप्लॉइडी मीन्स होता है बिलो, उसमें क्या होंगे क्रोमोसोम के नंबर्स क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे या कम होंगे। हाइपरप्लॉइडी की बात की जाए, उसमें क्या होंगे क्रोमोसोम के नंबर्स क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। सो हाइपोप्लॉइडी की अगर बात की जाए तो उसमें भी क्या है, टू टाइप्स है, एक हमारा है मोनोस्वामी एंड दूसरा है हमारा नल्ली स्वामी। और उसमें भी हाइपर की बात की जाए, उसमें भी दो है, दो टाइप्स है, ट्राइसॉमी एंड टेट्रासॉमी। सो मोनोस्वामी की अगर बात की जाए तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, देखो अगर कोई भी सेल बॉडी हमारी डिप्लॉइड है, कैसी है डिप्लॉइड है, तो उसमें से क्या हो जाएगा, एक नंबर क्या हो जाएगा उसका, एक नंबर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्या होगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। देखो अगर इसका मीनिंग मैं समझाता हूँ, हमारा ये नंबर है टू है, हमारा नेचुरल, हमने प्राइमरी नेचुरल प्राइमरी नंबर किसको कहा था, प्राइमरी बेस नंबर किसको कहा था, 23 को कहा था। और इसमें से क्या हुआ, वन माइनस हुआ, वन माइनस होगा। इसका कैलकुलेशन करते हैं अगर, तो 46 में से कौन सा क्या होगा, एक क्रोमोसोम माइनस होगा, तो कितने रहेंगे, 45 क्रोमोसोम्स रहेंगे। सो इससे कुछ ना कौन सा तो डिजीज क्या होगा, कॉज होगा, जेनेटिकली डिजीज कॉज होगा। सो आपको क्या करना है, जो मैंने अभी आपको चार्ट दिया है उसमें से आपको क्या करना है, वैसे ही चार्ट निकालना है, उसके बाद उसके जो जो डिजीज कॉज होते हैं उसके आपको एग्जाम्पल लिखना है, उसके नीचे नीचे। मैं अभी लिख के नहीं दूंगा, सिर्फ इतना ही मैं एग्जाम्पल बताऊंगा, सब आपको ढूंढना है। चलो उसके बाद क्या करते हैं, नल्ली स्वामी की तरफ बात करते हैं। नल्ली स्वामी में क्या होता है, नल्ली स्वामी में क्या होता है, हमारा जो है कोई भी बॉडी डिप्लॉइड होती है उसमें क्या होते हैं, टू क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। क्या होते हैं, टू क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मान लेते हैं 2 × 23 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 46 में से 2 गए, कितने रह गए, 44 रह गए, कितने रह गए, 44 क्रोमोसोम्स रह गए। सो पता चल जाता है कि इसमें भी क्या होता है, एग्जैक्ट बॉडी में कितने होने चाहिए, 46 क्रोमोसोम होने चाहिए। सो इसमें से क्या हो गए, कम कम होते जा रहे हैं। सो इसके बेसिस पर भी हमको पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ तो बॉडी में क्या है, डिफिकल्टीज है, बॉडी में डिफिकल्टीज है। सो अगर ट्राइसॉमी की बात की जाए तो इसमें क्या हो जाता है, ट्राइसॉमी की देखो 2n है हमारी डिप्लॉइड बॉडी है, इसमें क्या हो जाता है, एक क्रोमोसोम का एडिशन हो जाता है, इसमें क्या होता है, एक क्रोमोसोम का एडिशन हो जाता है। सो 2 × 23 कहा जाए प्लस 1 कहे तो क्या होता है, देखो 46 प्लस 1 यानी कि कितने क्रोमोसोम हुए, 47 क्रोमोसोम हुए। इसमें से भी आपको पता चल जाता है कि कोई ना कोई तो प्रॉब्लम हमारे बॉडी में है। अगर टेट्रासॉमी की बात की जाए तो वैसे ही 2 का क्या होगा, एडिशन होगा, 2 क्रोमोसोम का क्या होगा, एडिशन होगा। सो क्या होगा, 2 × 23 + 2 = 46 + 2 सो क्या हो जाएगा, 48 क्रोमोसोम हो जाएंगे, 48 क्रोमोसोम हो जाएंगे। इससे भी पता चल जाता है कि हमारे बॉडी में कोई तो डिफिकल्टी है। अगर बात की जाए तो इसमें से एग्जांपल की, सो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ट्राइसॉमी, ट्राइसॉमी का क्या होता है, हमारे बॉडी में कितने क्रोमोसोम होने चाहिए, 46 क्रोमोसोम होने चाहिए। तो क्या होता है,
ट्राइसॉमी में क्या होता है, एक क्रोमोसोम क्या होता है, हो जाता है एडिशनल, हो जाता है एक क्रोमोसोम ऐड हो जाता है. सो इससे जो डिसीज कॉज होता है उसको हम बोलते हैं डाउन सिंड्रोम. कौन सा डिसीज कॉज होता है? डाउन सिंड्रोम. डाउन सिंड्रोम मीन्स क्या होता है, अगर कोई भी बच्चा है तो उसकी क्या नहीं होती, हाइट की, उसके बॉडी की क्या नहीं होती, ग्रोथ नहीं होती, उसकी बॉडी की ग्रोथ नहीं होती, सो उसको हम बोलेंगे डाउन सिंड्रोम बोलेंगे. क्या बोलेंगे? डाउन सिंड्रोम बोलेंगे. ऐसा हमारा क्लॉइडी का टॉपिक था. बताओ मुझे समझ में आ गया क्या? हाँ सर. सभी को अच्छे से समझा कि सर्वे से गया निकल के? समझा सर. समझा सर. ओके सो देखो आपको क्या करना है, वैसे ही आपके टेक्स्ट बुक में चार्ट दिया है, वैसे ही चार्ट निकालना है, उसके नीचे उसके एग्जांपल्स लिख के लाने हैं, जितने भी मिलते हैं उतने. जैसे मैंने एक का एग्जांपल दे दिया, वैसे डाउन सिंड्रोम उसमें भी दो से तीन एग्जांपल और है, दो से तीन एग्जांपल और है. तो आपको क्या करना है, वैसे ही चार्ट निकालना है, उसके नीचे उसके एग्जांपल देने हैं. क्या देने हैं? उसके एग्जांपल देने हैं. सभी को होमवर्क समझ में आया क्या? गुड. चलो इसको क्लियर कर देता हूं. उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमने क्रोमोसोम स्टार्ट किया ही था, उसमें हमने प्लॉयड भी पढ़ा, उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम. क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम. देखो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, यू नो आपको क्रोमोसोम सभी को पता है, क्रोमोसोम सभी को पता है. सो देखो पहले तो ये बोलो कि एक क्रोमोसोम कैसे होता है. माइक्रोस्कोपिक होता है, जो सिर्फ किसमें दिखता है, दिखता है माइक्रोस्कोप में ही दिखता है. ऐसे हम उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते, क्योंकि वो किसमें प्रेजेंट होता है, सेल में प्रेजेंट होता है, जो क्या क्या होता है, विजिबल होता है, जो विजिबल होता है. अगर हमको देखना है तो सिर्फ उसको कहाँ से देखना होगा? माइक्रोस्कोप से देखना होगा, माइक्रोस्कोप से देखना होगा. माइक्रोस्कोप में भी कैसे दिखता है, जब सेल कौन से स्टेज में होता है बताओ? यस यस मेटाफेज. जब सेल मेटाफेज के स्टेज में होता है, विजुलाइज होता है. क्या होता है? जब सेल का डिवाइडेशन होता है, जब सेल मेटाफेज के दौर में होता है, तभी जाके क्या होता है, ये विजुलाइज होता है. क्यों विजुलाइज होता है? क्योंकि मेटाफेज में क्या होता है, डीएनए का कॉइल होना स्टार्ट होता है, हाईली कॉइल हो जाता है डीएनए, तभी जाके क्या बनता है, क्रोमोसोम बनता है. सो उसी स्टेज में क्या होते हैं, उसी स्टेज में हम क्या कर सकते हैं, क्रोमोसोम को देख सकते हैं. कौन से स्टेज में? मेटाफेज के स्टेज में. कौन से स्टेज में? मेटाफेज के स्टेज में. सो देखो सबसे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ. उससे पहले क्या होता है, कैसे स्टेजेस में कैसे दिखते हैं, उसको पहले हम देखेंगे, विजुअलाइज कर देंगे, उसके बाद आपको सब समझ में आ जाएगा. चलो अगर मान लो हमारा एक बॉडी का सेल है, क्या है हमारा एक बॉडी का सेल, बॉडी का सेल है, उस सेल में क्या होते हैं, हमको पता है टू टाइप की डिवाइडेशन होता है सेल का. सेल डिवाइड हो जाता है टू टाइप में. कितने टाइप में हो जाता है? टू टाइप में. एक होता है हमारा माइटोसिस एंड दूसरा हमारा होता है मियोसिस. सेल्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. फर्स्ट हमारा होता है माइटोसिस एंड सेकंड हमारा होता है मियोसिस. मियोसिस. सो अगर माइटोसिस की बात की जाए, उसमें भी क्या होता है, माइटोसिस में भी क्या होते हैं, टू फेजेस होते हैं. एक होता है माइटोसिस वन एंड सेकंड होता है माइटोसिस टू. क्या हो जाता है? माइटोसिस वन एंड माइटोसिस टू इसमें हो जाता है. हाँ उससे पहले एक बात, अगर माइटोसिस की बात की जाए तो उसमें क्या होता है, टू टाइप का सेल डिवीजन होता है. जो कैसे होता है, सेल का कैसे डिवाइडेशन होता है, सो पहले होता है
कैरियोकाइनेसिस, सेल का किसमें डिवाइड होता है, हो जाता है कैरियोकाइनेसिस, एंड दूसरा है साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। उसके बाद क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस का, कैरियोकाइनेसिस का फोर टाइप में डिवाइडेशन हो जाता है, फोर टाइप में डिवाइडेशन हो जाता है, और साइटोकाइनेसिस का टू इसमें डिवाइडेशन हो जाता है। जैसे इसमें होता है मियोसिस वन एंड मियोसिस टू, मियोसिस टू। इसमें क्या हो जाता है, क्या क्या बनते हैं हमारे, क्या क्या बनते हैं, कौन से फेजेस बनते हैं कैरियोकाइनेसिस में, बताओ। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। यस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, ऐसे हमारे फेजेस बन जाते हैं। सो मैं आपको पहले कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस क्या होता है उसको मैं पहले आपको बता देता हूँ, उसके बाद आपको आगे लेके चलता हूँ। देखो, कैरी ऑन, आपको पता है कैरी ऑन, कैरियोकाइनेसिस से जो कैरी ऑन जो वर्ड बनता है, कैरी ऑन मीन्स क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस का जो सेकंड वर्ड है, हम जो हमको पता है न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस को ही क्या बोलते हैं, कैरी ऑन्स बोलते हैं। जो हमारा सेल का न्यूक्लियस होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, कैरी ऑन्स। न्यूक्लियस का सेकंड वर्ड जो होता है उसको हम बोलते हैं कैरी ऑन्स। एंड साइटोकाइन एंड दिस प्रोसेस, देखो क्या होता है, सेकंड वर्ड क्या होता है हमारा, कैरी ऑन्स, जब जब माइटोसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं, हमने क्या कहा, जो न्यूक्लियस का दूसरा वर्ड है इसको हम बोलते हैं कैरी ऑन्स, कैरी ऑन्स, क्या बोलते हैं, कैरी ऑन्स बोलते हैं। सो क्या होता है, इन डिवाइडेशन जब माइटोसिस डिवीजन होता है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस का डिवाइडेशन हो जाता है या कैरी ऑन्स का डिवाइडेशन हो जाता है, उस प्रोसेस को, उस जब न्यूक्लियस का डिवाइडेशन होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस, क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। डिवाइडेशन ऑफ न्यूक्लियस इन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस, क्या बोलते हैं उसको, कैरियोकाइनेसिस। जहां न्यूक्लियस का डिवाइडेशन हो जाता है उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। वैसे साइटोकाइनेसिस, साइटो मींस क्या होता है, हमारा साइटोप्लाज्म जो होता है, साइटोप्लाज्म होता है उसमें क्या होता हो जाता है, साइटोप्लाज्म का डिवाइडेशन जब होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। जब साइटोप्लाज्म का डिवाइडेशन हो जाता है उसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। सबसे पहले अगर सेल की डिवीजन की बात की जाए तो सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है, न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है। वैसे एक न्यूक्लियस होता है, एक न्यूक्लियस के दो सेल बनेंगे यानी कि हाफ हाफ हो जाएंगे न्यूक्लियस। पहले न्यूक्लियस का डिवाइडेशन होता है, उसके बाद जब साइटोप्लाज्म जो रहता है उसका डिवाइडेशन हो जाता है, वो क्या बन जाती है, वो श्रिंक बन जाता है। वैसे हमारे दो सेल का डेवलपमेंट होता है। अगर न्यूक्लियस की बात की जाए, जिस प्रोसेस में फर्स्ट तो न्यूक्लियस का डिवाइडेशन होता है, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस, एंड साइटोकाइनेसिस किसे बोलेंगे, जिसमें साइटोप्लाज्म का डिवाइडेशन होता है उसको बोलेंगे हम साइटोकाइनेसिस। ये वर्ड हमको समझ में आए क्या, साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है? हाँ सर। ओके, सो अगर कैरियोकाइनेसिस की बात की जाए तो कितने फेजेस बनते हैं, फोर फेजेस बनते हैं। हमने बोला था कि हमारा जो क्रोमोसोम है वो कौन से फेज में दिखता है, तो कौन से फेज में दिखता है, कैरियोकाइनेसिस के मेटाफेज में शो होता है। कौन से फेज में शो होता है, वो शो होता है मेटाफेज में शो होता है। माइटोसिस की बात की जाए तो माइटोसिस में क्या होता है, हमारा जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो सेम ही रहता है। ऑब्वियसली सेल का डिवीजन होता है, लेकिन अगर सेल हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड ही रहता है। अगर मियोसिस की बात की जाए तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या हो जाता है, सेल का डिवाइडेशन हो जाता है, लेकिन क्या होते हैं, हैप्लॉइड का कन्वर्शन किसमें हो जाता है, सॉरी डिप्लॉइड का कन्वर्शन किसमें हो जाता है, हैप्लॉइड में हो जाता है। इतना समझ में आया क्या? हाँ सर। ओके,
सो इसको मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम की तरफ, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम की तरफ स्ट्रक्चर निकालने की कोशिश करता हूँ, ड्राइंग तो इतनी अच्छी नहीं मेरी। देखो ऐसे हमारा होता है क्रोमोसोम, वैसे होता है ऐसा क्रोमोसोम होता है। सो देखो जो जो बीच वाला जो पार्ट होता है जो क्या करता है, टू क्रोमोसोम को क्या करता है, पकड़ के रखता है, जॉइंट करके रखता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं उसको, सेंट्रोमियर। जिस जगह टू क्रोमोसोम का ज्वाइन हो जाता है उसको हम बोलेंगे सेंट्रोमियर। देखो ये हमारे फिलामेंटस लाइक ऐसे कुछ तो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो अंदर के स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्रोमेटिड्स। क्या बोलेंगे, क्रोमेटिड्स। क्या बोलेंगे, क्रोमेटिड्स बोलेंगे। और जो आउटर का स्ट्रक्चर उसको क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोले। कोई कोई क्रोमोसोम क्या होते हैं, ऐसे भी होते थर्मामीटर लाइक कैसे होते हैं क्रोमोसोम, कुछ कुछ क्रोमोसोम ऐसे भी होते हैं थर्मामीटर लाइक। हमको पता है थर्मामीटर क्या होता है, थर्मामीटर का ही शेप होता है इसमें, उसको हम बोलेंगे क्रोमोसोम। देखो ऐसे हमारे क्रोमोसोम होते हैं, ऐसे हमारे क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। देखो टू क्रोमोसोम्स, मान लो ये हमारा एक क्रोमोसोम है, ये हमारा एक क्रोमोसोम, ये हमारा एक क्रोमोसोम है, ये हमारा एक क्रोमोसोम। टू क्रोमोसोम जिस स्पेस में जिस जगह ज्वाइन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, द क्रोमेटिड्स। सेंट्रोमियर को ही, जो हमारा सेंट्रोमियर होता है उसको हम एक वर्ड की बात कर, एक जो वर्ड होता है हमारा एक वर्ड होता है उसको हम बोलेंगे प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन देखो टू क्रोमेटिड्स जगह जॉइंट होते हैं उसको हमने बोला सेंट्रोमियर। उसी सेंट्रोमियर पर नेक्स्ट वर्ड है इसको हम बोलेंगे प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। क्या बोलेंगे, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। उसके बाद उसी प्राइमरी कंस्ट्रक्शन को, उसी प्राइमरी कंस्ट्रक्शन को देखो, मान लो जो स्पेस होता है वो डिश लाइक जो शेप दिख रहा है, मैंने आपको वहां पर गोल गोल दिखाई दे निकाल के दिया, जो स्पेस होता है, जो डिस्क लाइक शेप होता है उसको हम बोलेंगे काइनेटोकोर। उस शेप को हम क्या बोलेंगे, काइनेटोकोर।
क्या बोलेंगे, काइनेटिक को। देखो टू क्रोमाइट जिस टू क्रोमेटिड जिसमें ज्वाइंट होते उसको हमने बोला सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर को ही हमने बोला प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, क्या बोला प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन बोला। उसके बाद टू क्रोमेटिड्स में, टू क्रोमेटिड्स में जो स्पेस आपको डिस्क लाइक शेप दिख रहा है, डिस्क लाइक शेप दिख रहा है उसको बोला काइनेटोकोर, क्या बोला उसको काइनेटोकोर, काइनेटोकोर, काइनेटोकोर। देखो जो डिस्क लाइक शेप होता है उसको हमने बोला काइनेटोकोर। अब जो एक काइनेटोकोर होता है, ए जो काइनेटोकोर होता है इसका कुछ ना कुछ तो फंक्शंस होगा, इसका कुछ ना कुछ तो फंक्शंस होगा। ये क्या करता है, ये क्या करता है, जब सेल का डिवीजन होता है, जब सेल का डिवीजन होता है, सेल डिवीजन में क्या बनते हैं, हमारे स्पिंडल फाइबर बनते हैं, यू नो स्पिंडल फाइबर आप सभी को पता है, क्या बनते हैं स्पिंडल फाइबर बनते हैं। तो उस स्पिंडल फाइबर को, फाइबर में क्रोमोसोम को अटैच करने का काम कौन करता है, तो वो करता है काइनेटोकोर, कौन करता है काइनेटोकोर। देखो समझने की कोशिश करो, अगर मान लो ये हमारा सेल है, हमारा सेल है, उसके टू पोल्स है, हमारा स्पिंडल फाइबर ऐसे 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 बनता है, हमारा होता है स्पिंडल फाइबर, कौन होता है हमारा स्पिंडल फाइबर। एक काइनेटोकोर इन स्पिंडल फाइबर जब सेल का डिवाइडेशन हो रहा होता है तो ये क्या करता है, जो हमारे क्या होते हैं क्रोमोसोम्स होते हैं सिंगल पेयर, कौन से क्रोमोसोम होते हैं सिंगल पेयर में जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसको अटैच करने का काम कौन करता है, तो ये कौन करता है काइनेटोकोर, जो मैंने यहाँ पर ऐसा राउंड राउंड स्ट्रक्चर दिया है उसको हम बोलेंगे काइनेटोकोर, कौन करता है वो काइनेटोकोर। देखो हमने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना चालू किया है, सो इसमें क्या होते हैं टू क्रोमेटिड्स होते हैं जो क्या होते हैं एक जगह कोई तो एक जगह ज्वाइन हो जाते हैं, जो मिडल में ज्वाइन हो जाते हैं उसको हमने बोला सेंट्रोमियर, क्योंकि सेंटर में ज्वाइन हो जाते हैं तो उसको हमने बोला सेंट्रोमियर, उसी सेंट्रोमियर को हमने बोला प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। जो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन में या सेंट्रोमियर के पास जो एक हमको डिस्क लाइक शेप दिखाई दे रहा था